छतरपुर में आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के कार्यक्रम में जब छतरपुर कलेक्टर के द्वारा अपने स्कूल के दिनों की चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं को बताया तो वहां बैठे छात्र छात्राएं आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल छतरपुर कलेक्टर संदीप जी ने यह बताया कि जब वह स्कूल के दिनों में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्र थे तब वह एक औसतन छात्र के रूप में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की है। वह कभी भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में फर्स्ट और सेकेंड रैंक नहीं आए। इसके बावजूद भी वह आज एक सक्सेस IAS अधिकारी हैं और छतरपुर जिले के कलेक्टर भी हैं। दरअसल कलेक्टर संदीप जी ने अपने जुनून के चलते हायर एजुकेशन में पूरे लगन के साथ पढ़ाई की और कुल मिलाकर कलेक्टर छतरपुर ने उन छात्र छात्राओं को सफलता का मंत्र दिया जो हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में अच्छे अंक ना आने के कारण निराश हो जाते हैं और वह अपने आप को उस काबिल नहीं समझते कि वह कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकें। अमूमन हर आम व्यक्ति के मन में यही आता है कि अगर IAS अधिकारी है तो हर क्षेत्र में वह बेहतर रहे होंगे और हर फील्ड में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। लेकिन इसके विपरीत जब छतरपुर कलेक्टर ने यह बतलाया कि वह हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में एक औसतन छात्र थे तो वहीं उन्होंने बातों ही बातों में उन छात्रों को भी एक मूल मंत्र दे दिया कि कभी भी आप सही ढंग से और सही लगन से पढ़ाई करें तो आप जीवन में निश्चित ही एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। टास्क तो बिफोर मैं आपसे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे फीडबैक लूँ कि आपका इंटेंशन क्या है और आपने कैसे पढ़ाई किया, बिकॉज मैं कभी फर्स्ट या सेकेंड नहीं था 10th और 12th में। तो आई थिंक आज से वो फीडबैक मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। आपका जो रोल है और आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चों के इस अचीवमेंट में वो ऑब्वियसली अनपैरेलल्ड है और उसका तो हमें जिक्र यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और बच्चों ने जो मेहनत किया है आई थिंक आज वो दिन है जहाँ पे यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट। एंड आपके बहुत सारे एम्स होंगे। अच्छा, और एक और चीज़ है जो अभी यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग जब फर्स्ट और सेकेंड आ जाते हैं जो यहाँ पे नहीं है उनका भूख और ज़्यादा रहता है कि ये जब वो देखेंगे ये या तो ये आप लोगों के साथ जो चर्चा हुई तो उनका भूख और रहेगा। जो 10th में नहीं आए तो वो चाहेंगे कि अगले बार वो 12th में आए, तो आप लोगों को उसी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में ऑब्वियसली आप लोगों को रहना पड़ेगा।